दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ खट्टी डकार आने की समस्या को जड़ से खत्म करने का रामबाण घरेलू उपाय। भोजन करने के बाद डकार आना एक आम समस्या होती है, मगर खट्टी डकार आने पर कई बार दूसरों के सामने भी शर्मिंदा होना पड़ता है। बार बार डकार आने की समस्या को बर्पिंग भी कहा जाता है, जो कि पाचन क्रिया में गड़बड़ी, पेट दर्द और गैस के कारण होती है। इसके अलावा डाइजेशन के लिए ज़रूरी एंजाइम्स कम पड़ जाते हैं, जिसके कारण भी यह समस्या हो जाती है। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं खट्टी डकार आने की समस्या को जड़ से खत्म करने के इस असरदार घरेलू उपाय को बनाने का तरीका। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक गिलास पानी, कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद हमें लेनी है 5 से 6 लौंग, और ये भी हमें इस पानी में डाल लेनी है। और अंत में हमें लेनी है 2 इलायची। इन इलायची को हमने छील लिया है और ये भी हमने इस पानी में डाल लेनी है। अब आपने इस पानी को गैस पर अच्छे से गर्म कर लेना है, यानी पका लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस पानी को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी हर नई नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे इस पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब आपने इस पानी को छान लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस पानी को छान लिया है, और छानने के बाद हमारा एक घरेलू नुस्खा पूरी तरह से तैयार हो चुका है खट्टी डकार की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए। अब जानते हैं कि हमें इसका सेवन करना कैसे है। दोस्तों, अगर आप भी खट्टी डकार आने की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपने मेरे बताए अनुसार इस उपाय को बना लेना है, और रोज़ाना खाना खाने के बाद आपने इस घरेलू उपाय का सेवन कर लेना है। आपने इस घरेलू उपाय का सेवन सुबह और शाम दोनों टाइम करना है। लगातार 3 से 4 दिन तक इसका सेवन करने से आपकी खट्टी डकार आने की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यह बहुत ही असरदार और चमत्कारी घरेलू उपाय है खट्टी डकार की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।